नीचे बहुत दलदल है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरा पैर जो है फंस गया है अंदर, इस तरह यह आक्रामक हुआ है। ठीक है, पानी चांगलं वरती तिकडे का? हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ही खेत तालाब में बहुत ही बड़ा एक कोबरा स्नेक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको रेस्क्यू करने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा यहाँ पर एक कोबरा स्नेक है, बहुत ही बड़ा। स्टिक दाखो, तो देख सकते हैं आप पानी में भी अपना उग्र रूप ले सकता है, पानी के ऊपर काट सकता है। पानी के अंदर कोई भी सांप हो काट नहीं सकता, पानी वाला सांप होगा तो पानी के अंदर काट सकता है। वैसे पानी के अंदर इसको अगर अंदर के अंदर पकड़ लेंगे हम ये, तो पानी के अंदर भी ये बाइट कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज में कोबरा स्नेक है, ये जहरीला सांप होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी फुल साइज में कोबरा स्नेक है और इसने एक आक्रामक रूप ले लिया है। जैसे हम इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तब ये काटेगा, गलत तरीके से सांप पकड़ने के बाद ये काटते हैं। बहुत ज़्यादा हम सांप के नज़दीक जाएंगे तब ये ज़रूर काटते हैं। सांप जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तब तक काटता नहीं, जब इनको खतरा महसूस होता है तब ये तुरंत काट देते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों इस सांप को हम बैग में डालते हैं, एक सुरक्षित जगह पर इस सांप को हम रिलीज करेंगे। देखिए काफी फुल साइज में कोबरा है, बहुत ही बड़ा है, मोटा भी है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे बड़े कोबरा। ये फ्रिज मांगे ना, ये देखिए किस तरह कोबरा यहाँ पर छिपा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये घर के अंदर किचन रूम है और किचन रूम के अंदर ये कोबरा सांप इस फ्रिज में। देखिए अब अगर कोई इंसान कुछ भी लेने के लिए, कुछ मान लो स्विच बंद करने के लिए, चालू करने के लिए या फिर कुछ भी यहाँ से उठाने के लिए आता है तो ये बाइट कर सकता है। ये देखिए,
देखिए अभी किस तरह ये आक्रामक हुआ है। देखिए इस तरह ही बाइट कर लेता है, ठीक है। सांप कभी भी जबरन काटता नहीं, जब उसको खतरा महसूस होगा तभी वो काटेगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इसको बैक का खतरा महसूस होगा तो बैक पर वो अटैक करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा गुस्सेली कोबरा, काफ़ी आक्रामक स्थिति में, यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। ये देखिए इस तरह अटैक कर रही है, तूनों का लो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोबरा स्नेक, चलिए इसको बड़ी आसानी से हमने बाहर निकाला है। ये भारत के जो मुख्य चार सांप है जहरीले, उनमें से एक सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक, इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक कहा जाता है। तो ये देखिए आप कितना आक्रामक है, ये किस तरह ये अटैक करेगा। अभी देखा दोस्तों आपने, तो इस सांप का गुस्सा आप देख सकते, काफ़ी देर से ये फुंकार रहा है बहुत ही तेज़ी से, और जैसे ही मैंने बैग का मुंह खोला वो बैग में जाने के लिए तैयार हो गया। आज हम पहुंचे हैं जीवरगांव, जैसे हमें आज तोड़मल इन्होंने कॉल किया था, तोड़मल वाड़ी है और यहाँ पर दो सांप दिखाई दिए, उन्होंने कॉल किया तो उन दोनों सांपों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो कैमरामैन अतुल पाखरे के साथ वीडियो में बने रहिए, जो भी दो सांप मिलेंगे उनको पकड़ करके एक सुरक्षित जगह पर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलो दिखाओ का टिकाओगे? दो कोबरा स्नेक है, एक और है इसमें। आपल्याकडे लागन त्याला तिथून काय करू, मस्त वाटे देवो
चलिए यहाँ पर दोनों भी कोबरास ने रेस्क्यू कर ली है। यहाँ पर लोग जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस चीज के कारण सांपों को हमने पकड़ लिया, यहाँ पर खोद करके बाहर निकाला है। भैया लाइट मार रही तो भैया लाइट थम थोड़ा। ठीक है, इन दोनों सांपों को हम बैग में डालते हैं और सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। डालो लगाओ बैग। जायचं मन नाही दिसत, जायचं नाही दिसत, थोडं डॅमेज झालं पहिलं। कोबरा जो है काटने की फिराक में अभी। तो दोस्तों यहाँ पर कुएं के अंदर हम पहुँच चुके हैं, मैं और कैमरामैन अतुल पाखरे जी मेरे साथ हैं। तो आप देख सकते हैं सामने कोबरा स्नेक काफ़ी फुल साइज़ में बहुत बड़ा ये कोबरा है। कुएं में पानी कम है इसलिए हम नीचे उतर पाए हैं। तो चलिए अभी रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए केचुली भी है सांप की, इस सांप ने केचुली रिमूव किया है। सांप अपनी केचुली क्यों रिमूव करता है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। सांप अपनी केचुली क्यों उतारता है ये पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और दलदल भी हो सकता है, आगे जाना रिस्क रहेगा। कैसे भी करके इसको इस तरफ लाना होगा। वापिस इस साइड में आया हुआ है, नीचे बहुत दलदल है इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ रहा है।
यहाँ पर मेरा पैर जो है फंस गया है अंदर। बहुत खतरा स्थिति में ये देख सकते हैं आप, कोबरा जो है काटने की फिराक में अभी। आखिरकार इसको साइड में ले लिया। बहुत खतरनाक ये कोबरा, बहुत ज्यादा बड़ा है। और आप देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरह अटैक कर रहे हैं। तो कोबरा सांप अपनी केचुली जो है साल में लगभग 2-3 बार रिमूव करता है, क्योंकि सांप के ऊपर जो गंदगी जमा होती है, उसके शरीर पर जो छोटे छोटे जीव जंतु उसको घर बनाने लगते हैं, वह सब गंदगी निकालने के लिए सांप साल में 2-3 बार अपनी केचुली निकालता है। अगर उसने अपनी केचुली नहीं निकाली तो ये धीरे धीरे बीमार हो जाएगा और वीक होकर के मर जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आक्रामक है कोबरा, ये देखिए। चलिए मैं इसको बैग में डालता हूँ, कितना अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों कुएं में जो सांप रेस्क्यू किया था, यहाँ पर मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। ये फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे पानी भी है। तो ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया, यहाँ पर इस सांप को मैंने रिलीज़ किया है दोस्तों। ये अपने पर्यावरण में ये सांप आज़ाद है। यह दोनों सांप यहाँ पर मैं फॉरेस्ट में रिलीज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा वारुलवाड़ी गांव में एक सांप रेस्क्यू किया था, यहाँ पर मैं इस सांप को रिलीज़ कर रहा हूँ फॉरेस्ट में। तो आप देख सकते हैं यह सांप अभी अपने पर्यावरण में आज़ाद है। नूडुंगे गाँव में खेताला में एक सांप रेस्क्यू किया था, इस सांप को मैं यहाँ पर फॉरेस्ट में रिलीज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी बिग साइज़ में कोबरा स्नेक यहाँ पर मैंने रिलीज़ किया है और यहाँ पर ये अभी अपने पर्यावरण में आज़ाद है। दोस्तों इसी तरह सांपों को पकड़ करके हम तुरंत उसी दिन पर्यावरण में उन सांपों को रिलीज़ करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।